मैंने एक बार भी काम के लिए नहीं मांगा, बिकॉज ये फिल्में हैं, मतलब सूरज भर जाते हैं आपके सामने हैं, हम आपके हैं कौन? उन्होंने बनाई है 200 करोड़ रुपए की फिल्म जो शोले को टक्कर दे रही है। उन दिनों की याद दिलाता है जब मैं सैलाब किया करता था, स्पर्श किया करता था, ऐसे जो शोज मैंने किए हैं रवि राय के साथ। तो ये वो वाला सुर है, हम साथ साथ है, लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि मुझे वो फिल्म कैसे मिली। हेलो मेरा सफर तब से लेके आज तक का एज एन एक्टर, बहुत ही अप्स एंड डाउन्स देखे मैंने अपने करियर में, अच्छे दिन भी देखे, बुरे दिन भी देखे। और लेकिन भगवान कमाल है, अगर वो बुरे दिन दिखाता है तो वो अच्छे दिन भी दिखाता है। सो आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट इन माय करियर, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, लेकिन अगर मैं 20 साल तक टिका हूँ, मतलब कहीं ना कहीं तो ऑडियंस के दिल में मेरे प्रति प्यार है, और दैट व्हाट मेक्स मी वेरी हैप्पी। ये किरदार जयदेव शर्मा इज वेरी मच लाइक मी, मतलब अगर आप महेश ठाकुर को एक साइड पे रखो और जयदेव शर्मा को दूसरे साइड पे रखो, तो फर्क मेरे ख्याल से 19-20 का होगा, क्योंकि जयदेव शर्मा भी बहुत ही काइंड हार्टेड है, बहुत ही दयालु है और बहुत ही सेल्फलेस है। ये क्वालिटीज मुझ में है, लोग कहते हैं, एंड इवन आई बिलीव आई डू हैव दैट। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ और कभी नहीं चाहूंगा, और इज नॉट सेल्फिश, मैं सेल्फिश बिल्कुल नहीं हूँ। तो ये जो कैरेक्टर्स है जो जयदेव शर्मा में है, महेश ठाकुर में भी है, और तो मुझे लगा कि ये रोल निभाना आसान होगा, आसान नॉट आसान बट इट बी फन। सो जो भी सीरियल्स जो चल रहे हैं, जो ज्यादा करके देखने को मिलते हैं, वो ज्यादा ड्रामेटाइज्ड होते हैं, थोड़ा सा एक नॉच ऊपर, मतलब अगर ये नेचुरल है, ये हल्का सा, लोग ऐसे बिहेव नहीं करते हैं। ये सुर जो शो का है इज अ वेरी नेचुरल सुर। ये सुर मुझे उन दिनों की याद दिलाता है जब मैं सैलाब किया करता था, स्पर्श किया करता था, ऐसे जो शोज मैंने किए हैं रवि राय के साथ। तो ये वो वाला सुर है जहाँ पे, विच इज अ वेरी ट्रू टू लाइफ नेचुरल सुर शो का। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस शो। किरदार की बात जी किरदार बहुत ही लवेबल है, क्योंकि वो है, उन्होंने जिस जिसने 3 बेटियों की परवरिश की है जब उन लोग बच्चियां थी, बड़ा किया, उनकी शादियां करवाई, तो ही इज अ वेरी लविंग फादर। वो एक माँ भी है बच्चों के लिए और एक बाप तो है ही वो। तो ये दोनों दोनों चीजें जो उनके अंदर है, ये इस किरदार में है, एंड दैट्स द फन पार्ट ऑफ द शो, यू नो, एंड दिस कैरेक्टर। तो पल्लवी जो है वो शादी नहीं करना चाह रही है, ठीक है ना करे, लेकिन उनका जो रीजन है वो जयदेव शर्मा एक्सेप्ट नहीं करेगा। उनका रीजन जो है कि मैं पापा को अकेला छोड़ दूंगी, वो रीजन जयदेव शर्मा के साथ ठीक से बैठती नहीं, बिकॉज उसे लगता है कि शादी एक ऐसा रिश्ता होता है अपने पति के साथ जो जिंदगी भर चलता रहेगा, और एक खूबसूरत रिश्ता है, और तुम्हें उसका अनुभव होना जरूरी है, बिकॉज जयदेव शर्मा ऑलरेडी ये अनुभव कर चुका है, एंड ही हैज सीन दैट लव, दैट रोमांस विथ हिज वाइफ, और वो चाहता है कि अपनी बेटियां भी ये एक्सपीरियंस करें लाइफ में। सो ही वॉन्ट्स द बेस्ट फॉर हिज डॉटर्स, लेकिन उसकी जो वजह है शादी ना करने की, जयदेव शर्मा के साथ ये बिल्कुल सही नहीं बैठता है, और वो सोचता है कि ये ऐसी, मतलब अपनी जिंदगी छोड़ देगी शादी ना करके, बिकॉज पापा अकेला रह जाएंगे। तो ये उसे ये ख्याल खोलता है, और शो में क्या होता है ये आपको आंगन अपनों का देखना पड़ेगा। नहीं तो मेरे पास जो टिफिन है वो वार्मर है ना, वो जो आजकल जो नया निकला है वो आपको प्लग इन करना पड़ता है,
और वो गर्म हो जाता है, तो खाना मैं गर्म सर्व करता हूँ अपने जो आर्टिस्ट जो आते हैं, जब भी मेरे डब्बे से खाना चाहते हो गर्म खाना मिलता है। दूर है, यस, नायगांव मेरे घर से करीब 1 घंटा 45 मिनट दूरी में है, आना जाना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन अगर प्रोडक्शन या शेड्यूलिंग डिपार्टमेंट सीन्स वैसे बिठाए तो मैनेज हो जाती है चीज़ें। यस, बॉन्डिंग ऑफ कोर्स वो तो एक परिवार ही बन जाता है, मतलब अगर आप ऐसे सीन शूट करेंगे जो इतने इंटिमेट है, यू हैव टू इंटरैक्ट विथ योर एक्टर्स इन अ डिफरेंट वे, तो एक परिवार ही बन जाता है। सो एक ये रैपो बहुत ही ज़रूरी है, जो अब तक टच वुड हमें मिला है, ये जो 1.5 महीना हम शूट कर रहे हैं, 1.25 महीना शूट कर रहे हैं, तो इट्स बीन स्मूथ। ऑफ कोर्स, तो जैसे कि आप सबने देखा होगा हम साथ साथ है, लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि मुझे वो फिल्म कैसे मिली, क्योंकि मैं तो न्यू कमर था, तो इतनी बड़ी फिल्म सूरज बड़जात्या ने हम आपके है कौन बनाई थी, 200 करोड़ रुपए कमा गई, और उसके बाद जब हम साथ साथ है बन रही थी तो पूरी इंडस्ट्री उनके साथ काम करना चाह रही थी, तो महेश ठाकुर बीच में कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, मैं उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाह रहा हूँ। तो हुआ यूँ कि राजश्री प्रोडक्शंस ने एक फिल्म जो मैंने प्यार किया है, जो सलमान की पहली फिल्म है, वो स्पैनिश में डब की थी, और चूंकि मैं अमेरिका से आया था, स्पैनिश स्पीकिंग कंट्री से, और मैं एज एन एक्टर एक्ट कर रहा था यहाँ पे, सीरियल थी दरार, लेक टंडन जी वाज द डायरेक्टर, और लेक टंडन जी एंड राजकुमार बाबू जो डैडी है, लेट राजकुमार बाबू जो डैडी है सूरज जी के, उन वो इंडस्ट्री वाले से कोई ढूंढ रहे थे जो स्पैनिश बोल सके, बिकॉज वो चेक करना चाह रहे थे कि जो फिल्म उन्होंने डब की है मैंने प्यार किया, वो बराबर स्पैनिश में डब हुई है कि नहीं। तो बातों बातों में लेक जी ने बोला कि महेश ठाकुर एक एक्टर है जो मेरे साथ काम कर रहा है, वो पैनामा से आया है, सेंट्रल अमेरिका, उसकी स्पैनिश कमाल की है, यू हैव लो स्पैनियोल, जस्ट टू लेट यू नो, मैं एक और फॉरेन लैंग्वेज फ्लुएंटली बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, सो स्पैनिश वॉज माई नेक्स्ट लैंग्वेज। तो मुझे बुलाया गया था फॉर सीइंग मैंने प्यार किया इन स्पैनिश, तो मैं गया वहाँ पे, मैंने अपने नोट्स लिए, फिल्म ख़त्म हुई, मुझे बुलाया राजबाबू जी ने अपने कैबिन में, मैंने बोला सर ये चेंजेस करने पड़ेंगे आपको, उसने देखा बोला ठीक है, बोला आप सूरज जी से मिलना चाहोगे, बोला ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, तो मैं जाके सूरज जी से मिल के आया, सूरज जी उठे, शुक माई हैंड, स्पोक टू मी, पूछा आप क्या करते हो, मैंने बोला मैं एक्टर हूँ, आई हैव बीन एक्टिंग इन सीरियल्स, पर मैंने एक बार भी काम के लिए नहीं मांगा, बिकॉज ये फिल्में हैं, मतलब सूरज बड़जात्या आपके सामने हैं, हम आपके है कौन, उन्होंने बनाई है 200 करोड़ रुपए की फिल्म जो शोले को टक्कर दे रही है, उनके साथ मुलाकात ही बहुत बड़ी बात है। तो मैं मिला और मैं चला गया, घर पहुंचा तो मेरी अभी भी शादी हुई थी, तो मैंने ये बात अपनी बीवी को बताई, तुमने काम नहीं मांगा, मैंने बोला कैसे मांगो, वो सूरज बड़जात्या है, मैं काम कैसे मांगू, वो तुम तो एक्टर हो, बोला हाँ पर काम मांगना मुझे अजीब लगता है, बोला अगर वो जानते कि मैं आर्टिस्ट हूँ, अगर मेरे लिए कुछ रोल है तो ये ऐसे लोग सामने से फोन आ जाएगा, और एग्जैक्टली वही हुआ, 3 दिन के अंदर अंदर मुझे फोन आया राजश्री प्रोडक्शन हाउस से कि सूरज जी मुझसे मिलना चाहते हैं, और उसके बाद आपके सामने आनंद बाबू पर्दे पे आ गए। जी बस ये कहना चाहूंगा कि जयदेव शर्मा एक बहुत ही प्यारा कैरेक्टर है, आंगन अपनों का एक बहुत ही खूबसूरत सा सीरियल है, और टाइम स्लॉट भी बहुत ही बढ़िया है 7:30 बजे, सो प्लीज आप ये शो जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं वापस आ रहा हूँ खास आप लोगों के लिए।